स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आपके सप्लीमेंट्री रिटर्न में जो एक फर्स्ट लेसन है, पहले नंबर पर द इन्वेंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। और तो सबसे पहले एल्वा एडिसन के बारे में, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जान लेते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन 1847 में पैदा हुए थे, वॉज बॉर्न इन 1847। He was an American scientist. वो एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे एंड इन्वेंटर और आविष्कारक थे। He made more than 1000 inventions. उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए। Some of his experiments were silly in his childhood. उनके जो आविष्कार थे उनमें से कुछ आविष्कार बचपन में मूर्खता से भरे हुए थे, silly थे। His greatest inventions were ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनके जो सबसे महान जो आविष्कार थे वो ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट के आविष्कार थे। तो ये थॉमस एल्वा एडिसन का परिचय हुआ थोड़ा सा। अब अबाउट द लेसन, इस लेसन में क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ एन ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क। ये जो लेसन है वो आपको बताता है जीवन, उस व्यक्ति के जीवन और कार्य के बारे में बताता है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन, संसार ने जिन वैज्ञानिकों को देखा है, ये वैज्ञानिक उनमें से एक था। और उसके कार्य और जीवन के बारे में इस लेसन में बताया गया। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलान, यूएसए। यूएसए में जो मिलान शहर है वहाँ पर 1847 में पैदा हुए थे, 1847 में। ही इज नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, उन्हें बहुत सारे आविष्कारों का वाला व्यक्ति कहा जाता है। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, जब कभी भी आप अपने कमरे में लाइट जलाते हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, अथवा आप अपने रिकॉर्ड प्लेयर को चलाते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन, तो आप थॉमस एडिसन की बुद्धि को पहचानते हैं। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वो बहुत अधिक डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, महान निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वो हमेशा आसमान छूने की कोशिश करते थे, मतलब वो अपने कार्यों के द्वारा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते थे। He gave his best, उन्होंने अपना सर्वोत्तम कोशिश की। One day he made a promise, एक दिन उन्होंने एक वायदा किया, to give electric light to this world, कि वो इस संसार को electric light, विद्युत की रोशनी देंगे। On 4 September 1882, 4 सितंबर 1882 को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने अपना ये वायदा निभाया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ऑन दैट डे, कि उस दिन 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क बस्ट इनटू अ ब्राइट लाइट, कि उस दिन 900 घरों में, न्यूयॉर्क के 900 घरों में बस्ट इनटू अ ब्राइट लाइट, एक चमकती रोशनी आई, यानी चमकती, वो 900 घर चमकती रोशनी से जगमगाए। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मान दिया गया। ऑन अक्टूबर 21 1929 को उन्हें सम्मान दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के द्वारा। एज ही वॉज वोटेड बाई पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, क्योंकि उनको चुना गया था अमेरिका के लोगों के द्वारा एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, सबसे ज़्यादा महान जीवित अमेरिका के व्यक्ति के रूप में अमेरिका के लोगों ने उनको चुना था। तो अब नाउ वी स्टार्ट द लेसन। वी हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। वेन यू वॉन्ट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ने की कोशिश करते हैं,
यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप साधारण रूप से एक स्विच को दबा देते हैं एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत का लैंप होता है वो आपको रोशनी देने लगता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक लैंप, कि किसने इलेक्ट्रिक लैंप को आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, वो एक अमेरिका के निवासी थे और जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन प्रयोग करना पसंद करते थे। He was fond of asking questions, उन्हें प्रश्न पूछने का शौक था and he was never satisfied, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे till he got the right answers, जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे। There are many stories about his childhood, उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं and here are a few of them, और यहाँ पर उनमें से कुछ एक कहानियां बताई गई हैं। One day, एक दिन, when young Edison was at school, जब छोटा एडिसन स्कूल में था, the teacher was telling the children a story about the words, तो जो अध्यापिका थी, जो उनकी टीचर थी, वो बच्चों को एक कहानी सुना रही थी about the words, यानी पक्षियों के बारे में। He got up, वो उठा एंड asked the teacher, और उसने टीचर से पूछा, मैडम, why can't man fly like a words, like a bird, मैडम, व्यक्ति या कोई भी आदमी पक्षी की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता है। Because man has no wings, क्योंकि व्यक्ति के या आदमी के पंख नहीं होते हैं, replied the teacher, टीचर ने उत्तर दे दिया। The young boy thought for a moment, उस छोटे लड़के ने एक क्षण तक सोचा, कुछ समय सोचा, and asked her again, और दोबारा से उन टीचर से पूछा, but kites have no wings and still we can fly them in the sky, लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी, और हम फिर भी उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed, अन्य जो भी लड़के थे वो सारे हंसने लगे, and the teacher lost her patience, और जो अध्यापिका थी, जो उनकी टीचर थी, उनका धैर्य हो गया। She thought, उन्होंने सोचा, the boy was stupid, कि ये जो बच्चा है वो मूर्ख है, and naughty, और शैतान है, and she asked his parents to take him out of school, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि वो उसको स्कूल से ले जाएं। His parents took him home, उसके माता पिता उसे घर ले गए, but they knew, लेकिन वे जानते थे, that he was not a stupid boy, कि वो एक मूर्ख लड़का नहीं था। Edison was just 8 years old, Edison 8 साल का था, when this happened, जब ये घटना घटित हुई। Young Edison found in his mother his best teacher, युवा एडिसन ने अपनी माँ में सबसे अच्छा टीचर पाया, यानी उन्होंने अपनी माँ को सबसे अच्छा टीचर या अध्यापिका के रूप में पाया। She was patient enough, उनके अंदर बहुत अधिक धैर्य था, to answer all his questions, उनके उसके प्रश्नों का उत्तर देने का उनकी माँ के अंदर बहुत अधिक धैर्य था, and with her help, और उनकी मदद से, यानी अपनी माँ की मदद से एंड गाइडेंस, और उनके दिशा निर्देशन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने बहुत अधिक उन्नति की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते थे, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत अधिक प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ प्रयोग जो है वो मूर्खता से भरे हुए थे, बट ही लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक पक्षी को देख रहे थे, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये जो पक्षी था वो जमीन पर आया, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े उठाए इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया।
तो पक्षी उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने उस छोटे से एडिसन को एक आइडिया दे दिया, एक विचार दे दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, कि ये जो पक्षी है वो उड़ने में समर्थ है, एबल है, बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़ों को खाता है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, और उसके दिमाग में, एडिसन के दिमाग में एक चीज और आई कि मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वो भी कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो इस प्रयोग को किसी व्यक्ति पर करना चाहता था। ही गॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू आर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, बीट देम इनटू अ पल्प, उन्हें बहुत अच्छी तरह से एक उसमें पीट कर बहुत ही उसका कचूमा निकाल दिया, एक महीन पीस लिया उन कीड़ों को, एंड मिक्स इट इन वाटर, और उस कीड़ों को उसने पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, उसने इस मिक्सचर को एक नौकरानी की लड़की को दे दिया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, कि ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह से उड़ने लगोगी। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसको पी लो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उनकी बात पर, एडिसन की बात पर विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिक्सचर को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, लेकिन उसने, शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो ना सकी, बट शी फेल इल, लेकिन वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉन्ट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन, छोटे जो एडिसन की माँ थी, वॉन्ट हिम, उन्होंने उनको चेतावनी दी एडिसन को, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि वो इस तरह के मूर्तापूर्ण प्रयोग ना करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वो एक मुर्गियों वाले फार्म में गए, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा अ हैन, एक जो वहां पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में, एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, उसकी माँ ने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि ये जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है, उसकी माँ ने उत्तर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, इन अंडों से चूजे बाहर निकल आएंगे उस समय के बाद। Why can't I hatch eggs? Thought young Edison. मैं अंडों को क्यों नहीं सह सकता हूँ, उस छोटे से एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे लिए, एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के बाद उठा, बट ही डिडंट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजे नहीं मिले। ही हैड ऑनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को फोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसका जो निकर थी वो खराब हो गया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसकी बहुत पिटाई की। अ रियली फनी बॉय, एक वास्तविक रूप से मजाकिया लड़का था वो, वॉज नॉट ही, क्या ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था क्या? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सारे प्रयोगों में असफल हो गया, बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे, यानी उन प्रयोगों से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न्ड, उसने सीखा, दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके जो आइडियाज थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसे किताबों का शौक था, एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, उसके पिता हर एक पुस्तक के लिए जिसे वो पढ़ता था उस पुस्तक के लिए 25 सेंट्स उसको देते थे। ही रेड
वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. जो पॉकेट मनी उसको मिलती थी, जेब खर्च उसको मिलता था, उससे भी वो पढ़ाई किया करता था. ही गॉट मोर बुक्स, उसने बहुत अधिक किताबें खरीदी. एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला भी लगा ली. हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसको प्रोत्साहित किया, उसका उत्साह बढ़ाया. एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद भी की. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक के जो मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो मैं पहले आपको ओरली बता देता हूँ और फिर बोर्ड पर भी लिख के दिखा दूंगा. तो मीनिंग्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ग्रेटेस्ट महानतम यानी महान, इन्वेंशंस आविष्कार, स्विच ऑन यानी जलाते हो, रिकॉग्नाइज यानी पहचानते हो, जीनियस प्रतिभा, डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, फुलफिल्ड पूरी की, प्रॉमिस प्रतिज्ञा, ऑनर्ड सम्मानित, लिविंग यानी जीवित, स्विच बटन को कहते हैं, चाइल्डहुड बचपन, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग, फॉन्ड यानी प्रिय, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, फ्लाई उड़ना, विंग्स यानी पंख, काइट पतंग, पेशेंस धैर्य, स्टूपिड मूर्ख, नॉटी शैतान, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, प्रोग्रेस प्रगति, ऑब्जर्व अवलोकन करना या देखना, सिली मूर्खतापूर्ण, फ्लू डाउन उतरा, वॉर्म्स कीड़े, बीक चोंच, आइडिया विचार, पल्प कचूमर निकालना या महीन महीन पीसना, वंडरफुल अद्भुत, मिक्सचर घोल, पुअर बेचारी, बिलीव विश्वास करना, इल बीमार हो जाना, वांड चेतावनी देना, पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियां जहां रखी जाती हैं, मुर्गी खाना कहलाता है, हैचिंग इट्स एग्स अपने अंडे से रही है, चिकेंस यानी चूजे, स्मैश्ड फोड़ डालना, स्पॉइल्ड खराब कर लेना, बीटिंग यानी पिटाई करना मार लगाना, फनी अनोखा, आइडिया विचार, वाइडली कई प्रकार की, और लेबोरेटरी प्रयोगशाला, एनकरेज्ड प्रोत्साहित करना. वेल स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे और अब मैं इनको बोर्ड पर लिख देता हूँ. वेल स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो अभी मैंने टेस्ट आपको पढ़ाया था उससे, तो समझ लेते हैं इनको. ग्रेटेस्ट महानतम या सबसे महान, इन्वेंशन आविष्कार, स्विच ऑन जलाना लाइट को जलाने के लिए, रिकॉग्नाइज पहचानना पहचानते हो, जीनियस प्रतिभा, डिटर्मिनेशन संकल्प, और फुलफिल्ड पूरा करना, प्रॉमिस प्रतिज्ञा, ऑनर्ड सम्मानित, और लिविंग जीवित, स्विच बटन को कहते हैं, चाइल्डहुड बचपन, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग, फॉन्ड प्रिय या जिस चीज का शौक हो, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, फ्लाई उड़ना, विंग्स पंख, और काइट पतंग को कहते हैं पता होगा, पेशेंस धैर्य, स्टूपिड मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं, नॉटी शैतान, गाइडेंस मार्गदर्शन, प्रोग्रेस प्रगति, और ऑब्जर्व देखना, सिली मूर्खतापूर्ण, फ्लू डाउन उतरा, वॉर्म्स यानी कीड़े, वीक चोंच, आइडिया विचार, पल्प उसका कचूमर निकालना, कीड़ों को महीन पीसना, वंडरफुल अद्भुत या आश्चर्यजनक, मिक्सचर घोल, और पुअर बेचारी, और बिलीव्ड विश्वास किया, इल बीमार, वांड चेतावनी दी, पोल्ट्री फार्म मुर्गी खाना. तो स्टूडेंट्स, अभी थोड़े से और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको भी मैं लिख देता हूँ इसके बाद.
हैचिंग इट्स एग्स अंडे से रही है, चिकेंस चूजे या मुर्गी के बच्चे, स्मैश्ड फोड़ डाले, स्पॉइल्ड खराब कर लेना, बीटिंग पिटाई, फनी अनोखा या मजाकिया, आइडिया विचार वाइडली यानी कई प्रकार की बहुत तरह की, लेबोरेटरी प्रयोगशाला, और एनकरेज्ड प्रोत्साहित किया। वेल स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे आपके लेसन द इन्वेंटर बुक कैप्टेस प्रॉमिस के, जहाँ तक मैंने टेक्स्ट पढ़ाया था वहाँ तक के डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर दिखा दिए। और अब अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को बार बार चलाकर देख लें, जिससे कि आपको ये जो टेक्स्ट मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगले वीडियो को मेरे देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो से शेष भाग रह गया है, रिमेनिंग जो पार्ट रह गया है इस लेसन का, वो पढ़ाऊंगा। तो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से शेयर करना ना भूलें, जिससे वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।